नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और देखिए, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ है जो अपना प्रत्यक्ष में चमत्कार दिखाती है। पहले मैं इन बातों पे स्वयं भी यकीन नहीं करता था, लेकिन मैंने कुछ प्रयोग किए तो मेरा यकीन पक्का हो गया कि ये गलत नहीं, बिल्कुल सही है। मैं आपको 8-10 ऐसी जड़ी बूटियों का, मैं आपको यूँ मान के चलो, देसी भाषा में उसे टोटका कहते हैं, यूँ मान लीजिए। बाकी ये बिल्कुल कारगर है। अब मैं आपको सबसे पहले घर के अंदर, परिवार के अंदर धन की सबको आवश्यकता होती है, लक्ष्मी की सभी को आवश्यकता होती है। दीपावली को लक्ष्मी का पूजन इसीलिए करते हैं कि घर में धन और संपत्ति आए। तो घर के अंदर धन संपत्ति आए और वो हमेशा रहे, उसके लिए हार श्रृंगार का बांदा। हार श्रृंगार से सब परिचित हैं, घरों में लगाते हैं। इसका जो बांदा है, तो हार श्रृंगार के बांदे को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखेंगे। हार श्रृंगार के बांदे को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखेंगे तो धन का कभी अभाव नहीं होगा और धन आपकी तिजोरी के अंदर भरा रहेगा। दूसरा नंबर, शंख पुष्पी की जड़। शंख पुष्पी की जड़ एक ही निकलती है, नीचे से लंबी पतली। तो शंख पुष्पी की जड़ को रविवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, इसे बोलते हैं रवि पुष्य नक्षत्र। रवि पुष्य नक्षत्र यानी कि रविवार और पुष्य नक्षत्र, इसके अंदर अगर आप कोई काम करेंगे तो बड़ी कामयाबी मिलती है, वो काम सफल होता है। तो ये एक ऐसा पीरियड होता है कि उसके अंदर आप कोई भी काम करेंगे आपको कामयाबी मिलेगी। तो शंख पुष्पी की जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में। अब रवि पुष्य नक्षत्र आप किसी भी ब्राह्मण को पूछ लो कि भाई अब आने वाले समय में रवि पुष्य नक्षत्र कब पड़ेगा, कौन सी डेट में पड़ेगा और वो कब से कब तक कितने घंटे का रहेगा, ये कोई भी पंडित जी आपको बता देंगे। तो जिस दिन रविवार हो उस दिन पुष्य नक्षत्र हो और आपको पंडित जी ने नोट करा दिया है, तो आपको शंख पुष्पी की जड़ ये ला करके और चांदी की डिब्बी में रख करके और घर की तिजोरी में रखे। देखिए, पहले के समय में तिजोरियाँ ही होती थी, अब तिजोरी नहीं तो आपकी अलमारी में रखिए, आपकी जो गोदरेज की अलमारी उसमें रखिए, या जहाँ आप अपना जहाँ भी रखते हैं संदूक में और में वहाँ रखिए। तो इसको रखने से धन की कोई कमी नहीं रहेगी, खूब समृद्धि बढ़ेगी घर परिवार में। अगली जो जड़ी बूटी वो है बहेड़ा की जड़। बहेड़ा आप जानते हैं, हरड़ बहेड़ा आंवला। तो बहेड़े की जड़ ये भी रविवार और पुष्य नक्षत्र में बहेड़ा की जड़ को उसका एक पत्ता लाएं, बहेड़े की जड़ और तथा उसका एक पत्ता, ये दोनों लेके आएं और जहां आप अपने पैसे रखते हैं
वहाँ पर इनको रख दें। इस प्रयोग से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी, ये बिल्कुल सत्य बात है। अगली जो जड़ी बूटी आपको घर परिवार में सुख शांति दे, लक्ष्मी दे, वो है मदार की जड़। मदार कहते हैं आंकड़े को, सफ़ेद आंकड़ा और जंगली आंकड़ा। तो ये भी रविवार पुष्य नक्षत्र के दिन में आप मदार की जड़ को दाहिने हाथ में धारण करने से धार्मिक समृद्धि में वृद्धि होती है। सफ़ेद मदार की जड़ लाएं आप, नहीं मिले तो जंगली की लाएं, लेकिन रविवार और पुष्य नक्षत्र में वो जड़ी को ला करके और छोटे से ताबीज के अंदर दाहिने हाथ के ऊपर बांधने से आपके आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी। अगला जो है प्रयोग जड़ी बूटी का, वो है दूधी की जड़ी। दूधी की जड़, दूधी दो तरह की होती है, एक तो करीब एक फुट का पौधा होता है और एक है जो धूप के अंदर बहुत छोटी छोटी होती है। तो दोनों दूधी को कहीं से भी तोड़ोगे तो उसमें से दूध निकलता है, इसलिए उसे दूधी कहा गया है और बहुत आयुर्वेदिक दवाओं में बहुत काम आती है। बेड़ा भी काम आता है, मदार भी आता है, संकुच भी आता है। तो दूधी की जड़ सुख शांति के लिए, घर परिवार में सुख शांति के लिए हर बार देखो, वही रविवार पुष्य नक्षत्र आते रहते हैं, तो इस समय में दूधी की जड़ को ला करके और शरीर में लगाएं। इससे आपके घर के अंदर सुख की प्राप्ति होगी। अगला जो टोटका है, बरगद का पत्ता। बरगद यानी कि बड़ का पेड़, उसका पत्ता। उसका जो पत्ता है वो, हाँ, बड़ का पत्ता, ये अश्वलेशा नक्षत्र में बरगद का पत्ता लाकर, ये नक्षत्र आप किसी विद्वान पंडित को पूछना, अश्वलेशा, अश्वलेशा नक्षत्र होता है उसके, वो पंडित बता देगा आपको। उसमें बरगद का पत्ता ला करके और अन्न के भंडार में रखें, भंडार हमेशा भरा रहेगा। इसके अलावा धन हेतु बरगद अथवा बड़ के ताजे तोड़े पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक का निशान बनाकर पुष्य नक्षत्र में अपने घर में रखेंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी। अगला जो टोटका है, श्वेत अपराजिता, यानी कि श्वेत अपराजिता। अपराजिता कहते हैं हार श्रृंगार के पौधे को, श्वेत सफेद अपराजिता। श्वेत अपराजिता का पौधा दरिद्र नाशक माना जाता है। श्वेत आंकड़ा, शल और लक्ष्मणा का पौधा भी दरिद्रता को नष्ट करते हैं और सफ़ेद अपराजिता के पौधे की तरह धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। इसके सफ़ेद या नीले रंग के फूल होते हैं। जीवक नाम का पौधा भी ऐश्वर्यदायिनी होता है। सफ़ेद फलास का पौधा, ये भी बड़ा चमत्कारी है। सफ़ेद फलास खूब होते हैं, लेकिन उनमें सफ़ेद बहुत कम होते हैं। 150 पेड़ में कोई एक सफ़ेद मिल जाए तो मिल जाए। फलाश बहुत गुणकारी चीज़ है और फलाश से जो अर्क से जो आँखों में डालने की नेत्र बिंदु नाम की एक आई ड्रॉप, कृष्ण गोपाल कालेड़ा आयुर्वेदिक भवन डिस्ट्रिक्ट अजमेर,
वो बरसों से बनाते आ रहे हैं, फलास की जड़ का अर्क से है आँख में डालने की ड्रॉप, शायद उसका नाम नेत्र बिंदु है, वो बड़ी अच्छी है आँख में डालने की दवा। हाँ, तो सफ़ेद फलास अक्सर पीला और सिंदूरी होता है, लेकिन सफ़ेद फलास बहुत ही दुर्लभ माना गया। लोगों का मानना कि इसका फूल चमत्कारी होता है, लोग इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ घर लाकर पूजन कक्ष में स्थापित करते हैं। तंत्र शास्त्र में इस वृक्ष के फूल से यंत्र बनाने का प्रयोग बताया गया, जो धन लक्ष्मी के लिए कारगर बताया गया है। अगला जो टोटका है वो मैं आपको बताता हूँ, काला धतूरा। काला धतूरा, उसकी जड़। काले धतूरे की जड़ के कई तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। इसे अपने घर में स्थापित करके महाकाली का पूजन कर क्री बीज का जाप किया जाए तो धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मुझे याद आ गया, जिन को स्वप्न दोष होता है तो वो भी काले धतूरे की जड़ को एक आधा इंच एक इंच के टुकड़े को सूती धागे से, मोटा जो सूती धागा उससे बांध के, वो जिसको स्वप्न दोष होता है वो अपनी कमर के अंदर बांधे रखेगा तो बिना दवा के स्वप्न दोष ठीक हो जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ है, इसको आप कपोल कल्पना या गप में नहीं ले मेरी बात को। स्वप्न दोष के रोगी, ये तो जब कोई हम पढ़ते हैं तब कोई चीज़ जाके याद आती है। काला धतूरा इतना बेहतरीन चीज़ होती है, उसकी जड़ को लाके रविवार को ले आवें आप, पुष्य नक्षत्र न हो, भोलेनाथ का नाम लेकर के और उसकी जड़ को दूध के अंदर धो करके और सूती जो धागा मोटा होता है उसमें बांध करके, और जिसको नाइट फेल होता है वो अपने कमर में बांधे रखे तो महीना 20 दिन के बाद ही फायदा होना लग जाएगा और स्वप्न दोष की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके अलावा भी महाकाली का पूजन करके इसको रख के, और एक क्रीन नाम का मंत्र होता है उसका जाप अगर कोई करे तो घर में लक्ष्मी आती है। अब मैं जो बता रहा हूँ कि शत्रु के नाश के लिए नीम का बांधा, नीम के बांधे को अपने दुश्मन से स्पर्श करा दें तो उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ये पुराने टाइम के लिखे हुए हैं। चमेली की जड़, ये अनुराधा नक्षत्र में चमेली की जड़ गले में बांधें, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। विष्णु कांता का पौधा भी शत्रु नाशक होता है। इसके अलावा मैं आपको करीब करीब बता दिया। अब जिनको कुछ मन में इस तरह का संदेह रहता है, हालांकि देखो संसार में 84 लाख योनियां हैं, तो आज का विज्ञान कहता है कोई भूत प्रेत नहीं होता, लेकिन ये भी एक योनि है 84 लाख के अंदर, और इनका भी अस्तित्व है। अब भगवान न करे किसी को कोई मुसीबत हो, लेकिन ये सत्य है कि ये भी एक योनि होती है, और जिनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज होता है तो उनको ये परेशान करती है। तो इस तरह का अगर लगे कि कमज़ोर दिल का कोई परिवार में मेंबर है, अथवा डरता है, अथवा कहीं जाने से भय खाता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, कोई काम करने से डर लगता है, तो
उसके लिए भोजपत्र, भोजपत्र भोजपत्र के पेड़ यहाँ अपन उत्तराखंड जब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते हैं तो रास्ते में भोजपत्र के खूब पेड़ मिलते हैं, बड़े पेड़ मिलते हैं। और प्राचीन काल के अंदर कागज जब नहीं होते थे तो हर चीज़ भोजपत्र के ऊपर ही लिखी जाती थी, और भोजपत्र एक सुगंधित छाल होती है पेड़ की। एक मुझे याद आ गया, जब भगवान श्री राम वनवास में गए तो वहाँ जो उन्होंने रहने के लिए जो कुटिया बनाई, उसके कुछ बोल, एक मिनट में बोल देता हूँ। भोज पत्र की बनी कुटिया, चंदन की वड़ लगाई। भगवान श्री राम ने अपने वनवास के समय जो कुटिया बनाई, भोज पत्र की बनी कुटिया, चंदन की वड़ लगाई। उन्होंने भोज पत्र से अपनी कुटिया बनाई और चंदन के लकड़ी के किवाड़ लगाए। तो वही भोज पत्र पंसारी के खूब मिलता है। तो इस तरह की भूत आदि बाधा जो होती है तो भोज पत्र इनको शांत करता है। इसके अलावा अनार का बांदा और गुंजा, गुंजा यानी कि चिरमी, ये भी कोई इस तरह का जो ऊपरी दोष है उनको दूर करता है। इसके अलावा करीब करीब, हाँ एक और आ गया, यश प्राप्ति हेतु, यानी कि हर आदमी की इच्छा है कि उसे यश मिले। हर आदमी देखो अपनी बड़ाई का भूखा होता है, यश का प्यासा होता है। तो यश प्राप्ति के लिए आम का बांदा, इस पेड़ के बांदे को भुजा पर धारण करने से कभी भी आपकी हार नहीं होगी और विजय प्राप्त होगी। हत्ता जोड़ी, हत्ता जोड़ी जो है ये विशेष तौर पर वशीकरण के लिए होती है। माना जाता है कि हत्ता जोड़ी को अपने पास रखने से लोग आपको सम्मान देने लगते हैं और वो आपकी बात को टालने की हिम्मत नहीं कर सकते। अगला जो मैं आपको टोटका बताता हूँ, ऊंट कटारी का। यदि आप राजनीति क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं तो ये जड़ी राजयोग दाता है। इस पौधे को बहुत से लोगों ने देखा होगा, इसके प्रभाव से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन इस पौधे को विधि पूर्वक लाकर पूजा करके और फिर काम में लिया जाता है। अब अगला जो टोटका है, रक्त गुंजा की जड़, गुंजा कहते हैं चिरमी को, लाल चिरमी की जड़, तो इसे रत्ती भी कहते हैं। 120 ml की होती है लाल गुंजा, तो इसका वजन एक रत्ती होता है। किसी समय इससे सोना वगैरह इसी से तोला किया करते थे। इस पौधे की जड़ रविवार पुष्य नक्षत्र के दिन, किसी भी शुक्रवार को अथवा पूर्णिमा के दिन निर्मल भाव से धूप दीप से पूजन करके उकाड़ें और घर में लाकर गाय के दूध से धोकर रखें। इस जड़ का एक भाग अपने पास रखने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, मान सम्मान में वृद्धि होती है। दोस्तों वीडियो बड़ा बन गया, मैं भी क्या करूं अब। हाँ अब अगला सुनिए आप, करें सुदर्शनम बदवा राजप्रियो भवेत सिंही मूले हरित पुष्पे कटिबद्धवा नरप्रिये। इसको एक बार और बोलता हूँ, करे सौंदर्य दर्शनम बद्धवा राजप्रियो भवेत सिंगी मूले हरित पुष्पे
कटिबद्धवा नर्प प्रिय है, हाथ में सुदर्शन की जड़ को बांधे तो राजा प्रिय होता है, अथवा कांकड़ा सिंगी जो होती है उसकी जड़ रविवार पुष्य नक्षत्र में कमर में बांधें तो राजा वश में होता है अथवा राजा का प्रिय हो जाता है। अब जिनको पितृ दोष होता है परिवार के अंदर, तो अगस्त का पौधा होता है, अगस्त्य नाम का पेड़ होता है और आयुर्वेद में जड़ी बूटियों में काम आता है, तो अगस्त्य के पौधे को पितृ दोष का नाश करने वाला माना गया है। अगस्त का पौधा मिलना मुश्किल होता है। अगस्त्य के फूल सफ़ेद अथवा गुलाबी रंग के होते हैं जो ठंड के मौसम में लगते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगस्त्य पेड़ शरीर के विषैले तत्वों को निकालने का काम करता है। इसके पंचांग का रस और सब्जी के रूप में प्रयोग होते हैं। यह पेड़ आयरन, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मयूरशिखा, मयूरशिखा अथवा मोरशिखा, यह दुष्ट आत्माओं का नाश करने वाली होती है। इस पौधे का फूल मोर या मुर्गे के शिखा जैसा दिखता है, इसलिए इसे मुर्गे का फूल या मयूर शिखा कहते हैं। यह पौधा घर के अंदर और बाहर समान रूप से उगाया जा सकता है। इस पौधे का उपयोग प्राय सजाने के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियां और फूल सब्जी के अंदर भी काम में आते हैं। अब मैं अंतिम इसका आपको बताता हूं कि कई इस बात को मानते हैं कि नज़र का दोष है, नज़र लग गई है छोटे बच्चों को, बड़े को। आज का विज्ञान नहीं मानता लेकिन हम मानते हैं। चंपा की जड़, चंपा की जड़ हस्त नक्षत्र में चंपा की जड़ लाकर बच्चे के गले में बांधें। इस उपाय से बच्चे की प्रेत बाधा तथा नज़र का दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, आज मैंने आपको विशेष ही आयुर्वेदिक की जो जड़ी बूटियां हैं और वो किस तरह अपना प्रभाव बिना पेट में खाए, शरीर के बांधने से, अलमारी में रखने से, घर के अंदर रखने से कितनी कितने रोगों को, कितने कितने दोषों का शमन करती है, ये आयुर्वेद के अंदर ही है और कोई चिकित्सा पद्धति में ऐसी व्यवस्था नहीं। यकीन करना चाहिए, क्योंकि यकीन पे ही सब दुनिया कायम है। फिर अपने अपने ख्याल, अपने अपने विचार होते हैं। मैंने भरसक कोशिश की है इस वीडियो को देने में। आपको अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। और जाते जाते मैं एक बात और बता देता हूँ, मैं आपको सबूत देता हूँ कि मैं खुद रवि पुष्य नक्षत्र और उस दिन भगवान श्री राम का जन्मदिन भी था। ये बात है करीब 7-8-9 महीने पहले की। रविवार पुष्य नक्षत्र और राम का जन्मदिन, तो इस ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। तो इस समय के अंदर मैं अंकोल की जड़, उसको निमंत्रण दे करके अगरबत्ती जला करके हाथ जोड़ के उसको लाया, उसका ताबीज मैं गले में हर समय यह रखता हूँ। इसमें अंकोल की जड़ है, एक मैंने धारण किया, एक मेरे भतीजे ने किया। अब आप चाहे कुछ भी समझिए, इसको धारण करने के बाद वो भी अपने आप को बेटर फील करता है और मैं भी आपके आशीर्वाद से अपने आप को ठीक महसूस करता हूँ। तो ये कपोल कम कल्पना नहीं है, ये सत्य बात है। और अंकोल की जड़ का टुकड़ा है मेरे पास थोड़ा, अभी कोई ज़रूरतमंद हो मंगाएगा तो मैं भेज दूंगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।